सरिये हैं ट्रक में, आराम से ओवरटेक करते हैं इसको। ट्रक की भी हालत ख़राब हो रही है इन पहाड़ों में। ट्रक के धुएं से थोड़ा सा ऐसे गरम गरम सा फील हुआ पर वो भी ज़्यादा देर नहीं होना, एक दो सेकंड बस। इनसे कुछ गर्माश मिले तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा यार, कुछ भी हल्का फुल्का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ यार, फिर से ठंडे हो गए। अभी यहाँ से अपन को इधर से जाके वहाँ से नीचे आना है और वहाँ जाना है। यहाँ से वो रोड है, फिर अपन को वो रोड ले जाएगी रामपुर, वहाँ से चिटकुल। तो यार नज़ारे ना, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। हर 10-15 मिनट में रुको, व्यूज़ देखो, दिखाओ, फिर आगे जाओ। और ये यहाँ पे ये जो स्लोप से बने हुए हैं ना रोड के उस साइड, यहाँ खेती होती है यहाँ की। जो पतले पतले स्लोप्स हैं ना, वो जैसे उधर उनमें खेती होती है। इतनी सी जगह में ये खेती करते हैं स्लोप में। ये जो सारे स्लोप है ना इधर से, ये पूरा जो नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे असम साइड में चाय और की होती है ना खेती, वैसे यहाँ पे नॉर्मल सारी खेती वगैरह होती है। तो जी चलते हैं फिर। हाँ चेक कर लेते हैं यार, हाथों की हालत देखो, पूरे लाल हो गए हैं हाथ और ठंडे हो गए। पर यार एडवेंचर एक नंबर है और मस्ती भी एक नंबर है। जो इन्जॉयमेंट है ना वो हाथों के दर्द के आगे कुछ नहीं है इस सर्दी के। तो चलो चलते हैं अब फटाफट, गोबे भी गो हो जाते हैं यार। स्लोप बहुत ज़्यादा है वरना इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ से मुड़ो फिर वो वहाँ से वापस स्लोप है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। वरना रोड तो अभी ठीक है। प्रशिक्षण केंद्र कुमार सेन, हाँ कुमार सेन से पहले बर्फ़ दिखी थी, बट अब कुमार सेन के बाद बर्फ़ वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल सा ही हो रखा है। अब यहाँ से रामपुर रह गया है सिर्फ 30 किलोमीटर, जो कि आधा घंटा लगना है मैक्सिमम। तो अपन आधे घंटे में पहुँच जाएंगे रामपुर। और ये यहाँ के कुछ, यहाँ बर्फ़ नहीं गिरी है यार, बर्फ़ गिरी है नारकंडा और इधर इस साइड नारकंडा के पास पास गिरी है ना, तो इधर रामपुर वगैरह में इधर बर्फ़ नहीं गिरी हुई। फिर वापस आगे जाके चिटकुल में बर्फ़ गिरी है, फिर स्पीति वगैरह तो पूरा कवर ही है बर्फ़ और से। आगे रोक दिया है, थोड़ा सा काम चल रहा है उसमें, उसमें ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार रुको आप यहाँ।
चलो जी चलते हैं। भाई खड़ी होगी अपनी, आगे जाके नजारा देख के आते हैं कि क्या हुआ है। वो वहां पे ब्लास्ट हुआ है जी, कुछ शायद पहाड़ को तोड़ रहे हैं इसीलिए हो गया वो वहां पे ब्लास्ट। एक घंटा लग जाएगा, आधा पौना घंटा कम से कम मारिए। यहाँ पे कुछ ब्लास्ट वगैरह का बता रहे हैं यार कि आधा पौना घंटा लग जाएगा। बन रही है, काम चल रहा है। ये है जी नदी का फ्लो, यहाँ ये ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज को यहाँ टनल से कनेक्ट करेंगे इसलिए टनल बना रहे हैं, इसलिए ऊपर भी काम चल रहा है। ऊपर यार मशीनें कैसे लेके गए और कैसे खड़ी है समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तो समझ से भी बाहर है ये चीज़। यहाँ वाला ब्लास्ट हो गया, अभी यहाँ बता रहे हैं यहाँ कहीं ब्लास्ट होगा। चलो जी देख लिया अपने व्यू और थोड़ा हम भी इंजॉय करते हैं, चलो बाय। 5:30 आके रुके थे यार, 6:15 हो रहे हैं। चलो अब ट्रैफिक क्लियर हुआ है, अपन भी चलते हैं। अब तभी भी 20 किलोमीटर बाकी, हालत ख़राब हो जाएगी इस ट्रैफिक के चक्कर में। तो चलो जी निकलते हैं फिर। भाई साहब अभी जाम खुला है और वापस आके जाम लग गया, ये यहाँ पे हुआ था वो ब्लास्ट। ये अपने लेफ्ट साइड में वही नदी चल रही है, उसका बहाव बहुत तेज है यार। पूरी तरह जाम लग गया है इतनी देर बंद होने की वजह से। अब हो रही अपनी ऑफ रोडिंग, यहाँ कुछ रोड वोड का काम चल रहा है, NH बनेगा यहाँ पे नेशनल हाईवे, उसकी वजह से ये पहाड़ को काट के और यहाँ पे हाईवे के लिए सही कर रहे हैं। ये देखो यार नदी कितनी बढ़िया लग रही है रात को। ऊपर आने का रास्ता, ये नीचे से जाने का रास्ता।
राम जी चैन इतनी क्यों बाज रही यार, है ना? आगे देख ट्रैफिक। बाइक भी यार फुल लोड है तो साइड से कट मार के भी नहीं निकल सकते। रेती रेत उड़ रही है भाई। लग गए आज तो, हो गई ऑफ रोडिंग अपनी तो भाई साहब। यार ये बराबर सामने भी जाम लगा हुआ है, नहीं तो आगे लेके निकाल लेते। तो होटल ले लिया है हिमाचल के रामपुर बुशहर शहर में, तो आज रूम टूर देते हैं आपको। ये यहाँ पे हमें मिला है एक सामान रखने के लिए, ठीक है, और दो कबर्ड है इसमें। कबर्ड में वैसे पिलोस वगैरह पड़े हैं, रजाई वगैरह, अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो ले लो। और एक रजाई इधर भी पड़ी है। और ये हमारी होटल का टॉयलेट है, और ये हमें काफी अंदर। चलो यहाँ पे अपन को बैठने के लिए दो चेयर मिली है, साथ में एक टेबल भी लगा हुआ है किलो, और ये बेड अपना, और ये अपने गेयर्स वगैरह पड़े हैं, और ये अपना बैग साथ में मिला अपन को, थोड़ा सा हीटर, और ये एक नए जमाने का टीवी। ये अभी 2050 का टीवी है, अभी आना बाकी है, यहाँ पहले से पड़ा है तो इसको इग्नोर करो। ये अपने गेयर्स वगैरह, ये अपने बैग, और ये हम। तो चलो ओके मिलते हैं आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप ट्रैवलिंग, कीप चिलिंग। ओके गाइस बाय, गुड बाय।